व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दोस्तों आप सभी का स्वागत है जंगल गेमर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों डीएमआर के ऊपर एक कंपैरिजन, कौन सी डीएमआर बेस्ट और इनको किस तरह से यूज किया जा सकता है, दोस्तों डीएमआर कैसे आपके लिए बेस्ट हो सकती है। दोस्तों इसी पे मैं जो एक वीडियो बना चुका हूँ आज दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। दोस्तों सबसे पहले जो मैं ट्रेनिंग रूम में आ चुका आप देख सकते हो, तो पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा यार, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में साइड में आने वाला जो घंटा बटन दबा दीजिए ताकि आपको जो ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप जो इनका फायदा सबसे पहले आकर उठा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यार। तो दोस्तों सबसे पहले डीएमआर के बारे में बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको कौन सी डीएमआर यूज करनी चाहिए, इसको सबसे बड़ा सवाल वही आ जाता है कि आपको कौन सी डीएम। तो दोस्तों एसएलआर तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा यार, क्योंकि एसएलआर एक मात्र ऐसी डीएमआर है जो कि गाइस कूल डाउन लेती है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं गाइस। जो एसएलआर गन है उसको मैं जो आपको नहीं लेने की दोस्तों के कहूंगा यार, आप एसएलआर को मत लो यार। तो हाँ दोस्तों यार एसएलआर में जो एक कूल डाउन है वही मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है ना बोल रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप एसएलआर मैंने उठा ली, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी मैं इसमें अटैचमेंट्स मैंने जो लगा दी इसमें दोस्तों, इसमें जो मैंने थोड़ी सी अटैचमेंट लगा दी है यार, तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ एसएलआर का कूलडाउन। देख सकते हो आप ये लगातार गाइस मिनी 14 की तरह जो ये फायर भी नहीं करी, ऊपर से जो इसकी गाइस गन की कैसे कैपेसिटी भी जो है वो देख सकते हो आप। रिकॉइल भले आपको इतना नहीं लग रहा होगा बट जब आप अटैक्स इस पर लगा देंगे गाइस तो आपको रिकॉइल क्या लगता है मैं आपको दिखाता हूँ यार, जब आप इस पर अटैक्स लगा के चलाएंगे गाइस। तो देख सकते हो जो मैंने अटैक्स उठा लिया और इस पे मैं देखो अब जो है गाइस रिकॉल कंट्रोल करना ही मुश्किल है यार, देख सकते हो इस पे स्प्रे करना मुश्किल है। अगर आप एक गन पे गन रखना चाहते हो जिससे आप इसको आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। ये जो आपके जो सुपर लॉन्ग फाइट्स होंगी जो कि घरों में होंगी गाइस, सामने वाले के पास कार 98 है तो तब ये गन काम आ सकती है, बट गाइस अगर आपके सामने बंदा और गाइस उसके पास अच्छी एम4 वो आपसे आप पे स्प्रे करा है तो आप जो गाइस इसके आप जो मिनी 14 को चुन सकते हो, बिकॉज वो एक ऐसी स्नाइपर है जिस पर कोई रिकॉइल नहीं, जिसकी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा है यार कि मैं क्या बताऊँ आपको जो है। और इसका जो मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा, देख सकते हो यार गजब का स्प्रे होता है इससे यार। मैं जो कूल डाउन है गाइस उसको आप जो खुद नोटिस करोगे, अगर आप जो उसको ट्राई करोगे ट्रेनिंग रूम में या फिर खुद नोटिस करोगे यार। तो देखिए अब जो मैं मिनी 14 से स्प्रे कर रहा हूँ, आप देख लीजिए गाइस खुद खुद देख सकते हो यार। तो मैंने बहुत शॉट दिए उन लोगों को यार, तो देख सकते हो गजब का स्प्रे होता है जो मिनी 14 गन है उससे। तो इसलिए मैं जो आपको मिनी 14 सजेस्ट कर रहा हूँ यार, तो अगर आप जो मिनी 14 चलाना चाहते हो तो आप जो चला सकते हो, बहुत अच्छी गन है यार ये भी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चला सकते हो। एनीवे जो आप अगर और भी ज़्यादा डैमेज मिनी 14 का डैमेज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो और भी ज़्यादा डैमेज की तरफ जा सकते हो, जो कि थर्ड नंबर की गन आ जाती है, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ गाइस, जो कि हमारी एसकेएस बचती है प्लास डीएमआर जो गाइस, उसके अलावा और कोई डीएमआर बचती भी नहीं है। तो मैं आपको चलो इस पर दिखा भी देता हूँ एक बार वीडियो पर मैं, देख सकते हो यार। तो मैंने जो थोड़ा सा 7.62 उठा लिया और मैं थोड़ा सा और जाके उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देख सकते हो दोस्तों एसकेएस है तो सही बट इसमें ये कमजोरी है यार, तो देख सकते हो यार रिकॉल जो आसमान को छू जाता है बट आप जो इसको कंट्रोल भी इजीली कर तो सकते हो यार। तो मेरी मानो तो आप एसकेएस या मिनी 14 से ही चलो यार, क्योंकि जो मिनी अपने जो एसएलआर गन है वो एसएलआर गन यार बहुत मोस्ट पावरफुल है, उसका रिकॉइल बहुत है यार। तो जो मैं आपको दोस्तों अब दिखाता हूँ एक अच्छा सा एग्जांपल, अब एक अच्छा सा एग्जांपल जो मैं आपको गेम प्ले से दिखा दूंगा मिनी 14 का। मैं खुद पर्सनली यार मिनी 14 को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि यार मेरे को वो अच्छी लगती है, उसमें जो रिकॉइल भी कम है, इतना ज़्यादा भी कम डैमेज नहीं है यार उसका, उसमें रिकॉइल भी कम है बट आप जो AKM जैसी गन इजीली चला लेते हो यार तो फिर आप SKS की तरफ जा सकते हो। तो बट मैं यार आपको मिनी 14 ही सजेस्ट करूंगा, अगर आप M416 यूज़ करते हो तो मैं आपको मिनी 14 सजेस्ट करूंगा, क्योंकि गाइस वो एक मात्र ऐसी गन है यार जिसका रिकॉइल इतना कम है यार, देख सकते हो। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जो मिनी 14 का रिकॉइल गाइस, देख सकते हो जो मिड रेंज में स्प्रे करना काफ़ी ईजी है यार। तो देख सकते हो अगर मेरे सामने उधर बंदा है तो देख लीजिए इस दीवार के पास, देख सकते हो यार। तो मैं जो इनको गिराने में जो 4 मैंने एक साथ गिरा दिए यार, देख सकते हो सिर्फ 15 बुलेट्स में, तो यार
देख सकते हो, इसलिए जो मिनी 14 को मैं सजेस्ट करा। अब जो मैं आपको मिनी 14 को सजेस्ट करने का जो गाइस एक और जो गाइस टिप बताता हूँ, बिकॉज यार मैं मिनी 14 को और क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ गाइस, तो उसका जो आप सामने अभी आपके सामने एक गेम प्ले चलेगा उसमें आप देख लीजिएगा कि क्यों जो मैं मिनी 14 को सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए आप गेम प्ले को दोस्तों मजे से। अब दोस्तों आप जो गेम प्ले में देख रहे हो यार कि मैं जो मिनी 14 में वो सामने एक बंदा है उसको जो मैंने मिनी 14 से एम किया गाइस, और उस बंदे को एम करने के बाद मैंने इतना जल्दी किल भी कर दिया गाइस, मैंने उसको जो मौका बिल्कुल नहीं दिया कि वो मेरे को किल करे, इसका मैंने उसको एक भी % मौका नहीं दिया यार कि उसको वो मेरे को किल कर दे, क्योंकि गाइस देख सकते हो यार मिनी 14 इतनी स्टेबल है यार, अगर इस टाइम पे एसकेस भी होती तो शायद ये ही होता, बिकॉज यार एसकेस का भी इतना कोई रिकॉइल नहीं है गाइस। तो देख सकते हो मैंने दो बंदे बिल्कुल इजीली जो इस गेम प्ले में ख़त्म कर दिए यार, तो जो देख सकते हो इजीली इतना अच्छा मैंने गेम प्ले किया यार, तो आप देख सकते हो, इसलिए जो मैं ये बना रहा हूँ यार वीडियो आपके लिए क्योंकि आपको जो वीडियो अच्छा लगे। और दोस्तों जो आप कौन सी DMR, आपको अगर कोई स्नाइपर नहीं मिलती है तो आप कौन सी DMR यूज़ करो यार, तो उसीलिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, तो मिनी 14 आपके लिए बेस्ट रहेगी यार, मैं आपको बोलना चाहूँगा मिनी 14 बेस्ट रहेगी, क्योंकि गाइस उससे स्प्रे करना जो है वो इजी है यार। तो मेरी मानो तो आप मिनी 14 को सजेस्ट करूँगा मैं, जो दोस्तों गेम प्ले में देखा आपने कि देख सकते हो आप किस तरह से मैं जो यार इस बंदे को दोनों बंदों को जो है मैंने स्कोर इजीली कंप्लीट कर दिया इनका, जो है दोस्तों इनको कुछ मौका नहीं दिया मैंने, इनको मेरे को मारने का कोई मौका नहीं दिया यार, मैंने कोई मौका ही नहीं दिया। तो देख सकते हो यार तो इतना अच्छा गेम प्ले बना इसलिए मैं कर रहा हूँ यार, तो देख सकते हो यार इसीलिए यार मैं तो आपको जो मिनी 14 सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मिनी 14 करना अच्छी लगती है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, कर देना इस चैनल पे एक सब्सक्राइब यार। अगर आप मैं बोलूँगा आपको अगर आप AKM चलाते हो तो आप ज़रूर से SKS की तरफ जाओ यार, बट अगर आप M416 चलाते हो तो मेरी मानो आप SKS अपने जो मिनी 14 की तरफ जाओ दोस्तों, क्योंकि मिनी 14 में जो रिकॉल कम है यार। तो दोनों में से आपको कौन सी गन अच्छी लगती है, आप कौन सा अच्छा रिकॉल कंट्रोल कर पाते हो ये आप पर डिपेंड है यार, तो देख सकते हो। और जो इस मिनी 14 को चलाने की एक ट्रिक, अगर सामने वाले के पास कार 98 है तो यार आप जो एक शॉट मारो छुप जा, एक शॉट मारो छुप जाओ गाइस, मेरी मानो तो अगर सामने वाले के पास कार 98 है तो यार आप जो छुप जाओ एक मारो और छुप जाओ यार, तो उनके सामने जो एक मारो और छुप जाओ, क्योंकि गाइस उनके पास यार कार 98 है। बट अगर आपको कार 98 नहीं मिलती है तो यार मेरी मानो तो आप जो है गाइस इसी से काम चलाओ यार, जो मिनी 14 से काम चलाओ। बट अगर आप AKM चला सकते हो तो यार SKS रखो ना, क्या प्रॉब्लम है अगर आप SKS रखोगे तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको जो आप पर डिपेंड है आप कौन सी आपको DMR रखनी है गाइस, मैंने बता दिया दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है यार। तो SLR तो आपकी मर्जी हो तो आप लीजिए, बेकार गन है, बट मेरे को तो ऐसा लगता है गेम में, बट बहुत से लोगों की यार फेवरेट गेम भी है यार SLR, बहुत रिकॉल तो है बट डैमेज भी यार इसका तगड़ा यार, लेवल 2 के जो हेलमेट पर दो ही हेडशॉट लगते हैं लगभग इसको, तो आप जाओ तो इसकी तरफ भी जा सकते हो यार। दोस्तों यही था आज के वीडियो में, अगर आपको जो DMR का जो कंपेरिजन अच्छा लगा, आपको जो इनको यूज़ करने का तरीका अच्छा लगा हो यार, जो स्प्रे करने का मेरे वीडियो से आपने सीखा हो और वो तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना और कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, गुड बाय, सी यू लेटर फ्रेंड।